Assalamualaikum, second year, um, Bacho, as you know that we have covered eight chapters of Mister Chips, and today we are going to discover what is in chapter number nine. So without any delay, let's read it out. Chips changed his more commodious apartment in schoolhouse for his old original bachelor quarter. Chips ne change ke liya tha apna uh, commodious matlab spacious khula. अपार्टमेंट उसका जो घर था जो फ़्लैट था इन स्कूल हाउस स्कूल हाउस में जो था अपने उसने वो चेंज करके अपने पुराने ओरिजिनल बैचलर क्वार्टर uh, जो है उसमें रिहाइश इख्तियार कर ली थी ही थाट एट फर्स्ट ही वुड गिव हिज हाउस मास्टरशिप पहले पहले उसने सोचा कि वो अपनी हाउस मास्टरशिप जो है वो तर्क कर देगा बट द हेड एट ही लेकिन हेड ने उसे uh, दूसरी Uh, रुख में कायल करने की कोशिश की एंड लेटर ही वॉज ग्लैड और बाद में वह खुश था दवा गिव हिम समथिंग टू डू काम ने उसे करने के लिए कुछ तो दिया था फिल्ड अप एन एम्प्टीनेस इन हिज माइंड एंड हार्ट जिसने उसके दिलो दिमाग की जो एम्पटीनेस थी जो खालीपन था उसको फिल किया था uh, ये सब कुछ uh, जो है वो चेंजेस आए हैं मिस्टर चिप्स के अंदर After the demise of his beloved daughter, uh, sorry beloved wife and the baby just born in नाइनटीन एटी नाइन्टी एट as as एज मैरिज हैड एडिड समथिंग जिस तरीके से उसकी शादी ने उसमें उसकी शख्सियत में कुछ इजाफा किया था सो डेट बी रिवमेंट इसी तरीके से जुदाई ने भी किया था आफ्टर द फर्स्ट स्ट्यूपर ऑफ़ ग्रीफ जो गम का पहला सकता था उसके बाद ही बिकेम सडनली द काइंड ऑफ मैन होम बॉयज़ एट एनी रेट अनहेजीटेटिंगली क्लास्ट एज ओल्ड जब पहले वो uh, गम के सकते से बाहर निकला तो वो एक इस तरह का इंसान एक इस तरह का आदमी बन चुका था जिसको के स्कूल बॉयज़ uh, बिला हिचकिचाहट uh, बूढ़ा <coughs> Uh, कहते थे इट वॉज नॉट दैट क्लास का मतलब यही है कि क्लास का मतलब ये कि उसको उसी कैटेगरी में बूढ़ों की कैटेगरी में रखते थे इट वॉज नॉट दैट ही वॉज लेस एक्टिव ऐसा नहीं था कि वो कम एक्टिव था ही कुड स्टिल नॉक अप अ हाफ सेंचुरी ऑन द क्रिकेट फील्ड अभी भी वो क्रिकेट फील्ड में आधी सेंचुरी जो है वो कर सकता था या बना सकता था नॉर वॉज दैट ही हैड लॉस्ट एनी इंटरेस्ट और कीननेस इन इज वर्क ना तो ऐसी बात थी कि उसने अपने काम के अंदर दिलचस्पी जो है वो ख़त्म कर दी थी एक्चुअली टू हीयर हैड बिन ग्रोइंग फॉर एयर्स एक्चुअली दरअसल उसके बाल भी काफ़ी सालों से ही सफ़ेद हो रहे थे येट नाओ फॉर द फर्स्ट टाइम ताहम अब पहली बार पीपल सीम टू नोटिस इट लोगों ने उस पर गौर किया था ही वो फिफ्टी वो पचास साल का हो चुका था वंस आफ्टर सम इनर्जेटिक फाइव एक मरतबा बड़े Uh, ताक़त से भरपूर फाइव्स के बाद ड्यूरिंग विच ही हैड प्लेड एज वेल एज एज मैनी या फेलो हाफ इज हाफ़ इज एज जिसमें वो खेला था अपनी आधी उम्र के uh, इंसान से भी ज़्यादा अच्छा ओवर ही ओवर हर्ड अ बॉय इंग ओवर हर्ड हर्ड मतलब उसने किसी को चुप कर कहते हुए सुना नॉट हाफ़ बैड फॉर एन ओल्ड चैप लाइक हिम इस तरह के इंसान के लिए इससे इससे आधा खेलना भी भी इतना बुरा नहीं है यानी कि चिप्स जितना अच्छा खेला है अगर वो इतना अच्छा ना भी खेलते इससे आधा अच्छा भी खेलते तब भी वो इस तरह के इस एज के आदमी के लिए कम नहीं है चिप्स वेन ही वॉज ओवर एटी चिप्स चिप्स जब वो अस्सी साल से ऊपर हुआ यूज़ टू रिकाउंट दैट इंसिडेंट विद मैनी चक्कल्स चक्क मतलब हंसते हुए कहकोहों के लाफ्स के बीच में चिप्स रिकाउंट करना याद करना चिप्स याद किया करता था इस इंसिडेंट मतलब इस वाक्य को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कहकहों के साथ ओल्ड एट फिफ्टी पचास साल की उम्र में बूढ़े होना इट वॉज नेलर हु हुट दैट एंड नेलर कांट बी फार शॉर्ट ऑफ फिफ्टी हिमसेल्फ बाय नो ये नेलर था जिसने ऐसे कहा था और नेलर खुद भी तो पचास साल से कम का नहीं होगा ना अब तक आई वंडर इफ ही स्टिल थिंग्स डेट फिफ्टीज सच एन एज महरान होता हूँ क्या अभी भी वो ऐसे सोचता है कि पचास साल एक ऐसी उम्र है लास्ट आई हर्ड ऑफ हिम ही वॉज़ लॉयरिंग एंड लॉयर्स लिव लॉन्ग आखिरी बार जब मैंने उसके बारे में सुना तो वो वकालत कर रहा था और वकील जो है वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहते हैं लुक एट हैल्सबरी हेल्सबरी की तरफ़ देखें चांसलर एट एटी टू एटी टू की एज में चांसलर बना एंड डाइड एट नाइन्टी नाइन और नाइन्टी नाइन की एज में वो मरा देयर इज़ एन एज फॉर यू आपके लिए एक उम्र होती है टू ओल्ड एट फिफ्टी पचास साल की उम्र में कोई बहुत ज़्यादा नहीं बूढ़ा होता वाई फैलोज लाइक दैट आर टू यंग एट फिफ्टी तो इस तरह के आदमी तो जो है वो पचास साल की उम्र में भी बहुत यंग रहते हैं यानी कि जवान ही रहते हैं आई वॉज माई सेल्फ एम यर इन्फेंट और मैं तो ख़ुद भी एक छोटा सा बच्चा ही था एंड देर देयर सेंस इन विच इट वॉज ट्रू और एक ऐसी uh, एक तरीके से uh, ये बात बिल्कुल सही थी फॉर विद द न्यू सेंचुरी दे आर सेटल्ड अपॉन चिप्स आर मेलोनेस क्योंकि नई सेंचुरी के साथ चिप्स के ऊपर एक मेलोनेस कहते हैं कि दे आर कम्स आ स्वीटनेस इन द एटीट्यूड एंड मेच्योरिटी एंड रॉइटनेस दैट कैथर्ड ठीक है जी मेलोनेस को मेचोरिटी कहेंगे स्वीटनेस कहेंगे राइपनेस कहेंगे समझदारी कहेंगे दैट गैदर्ड ऑल हिज डेवलपिंग मैनोरिज्म जिसने उसका जितना भी डेवलप हो रहा मैनर्स थे अदबो अदाब थे उनको जमा किया एंड हिज सॉफ्ट एंड हिज ऑफ्ट रिपीटेड जोक्स इनटू अ सिंगल हार्मनी और उसके बहुत बार कहे जाने वाले जोक्स को एक ही धुन में एक ही हम में पिरो दिया नो लॉन्गर डिड ही हैव दोज स्लाइट एनवोकेशनल डिसिप्लिनरी ट्रबल्स उसको अब ज़्यादा वो हल्की फुल्की सी और कभी कभार होने वाली जो डिसिप्लिन के अंदर प्रॉब्लम्स होती थी वो अब नहीं होती थी और फील डिफरेंट अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ या फिर उसको कभी कभार जो uh, थोड़ा डिफिडेंट uh, मतलब उसको अपना आप कमतर महसूस होता था लेकिन जैसे किसी चीज़ की कमी होती है ना डिफिडेंट होना जैसे किसी चीज़ की कमी होती है अपने आप को कम समझना अबाउट हिज ओन वर्क एंड वर्थ या वो अपने आप को जब कभी कभार कम समझता था अपने काम के अपने काम को और अपनी खुद की वैल्यू को या वर्थ मतलब वैल्यू अपनी कदर ही फाउंड दैट हीज प्राइड इन ब्रुक फील्ड रिफ्लेक्टेड बैक उसको ऐसे लगा जैसे उसका जो फ़खर था ब्रुक फील्ड पर वो वापस आकर उसका अक्स नज़र आता है uh, वो वापस आ गया है गिविंग हिम कॉज फॉर प्राइड इन हिमसेल्फ एंड हिज़ पोजीशन जिसने उसको उसके अपने आप मर उसके अपने आप में उसको फ़खर और उसकी अपनी हैसियत में उसको फखर जो है वो वापस दिया है इट वॉज़ अ सर्विस ये एक ऐसा काम था एक ऐसी खिदमत थी दैट गेव हिम फ्रीडम जिसने उसको आज़ादी दी थी टू बी सुप्रीमली एंड कम्प्लीटली हिमसेल्फ जिसके साथ वो मुकम्मल तौर पर और खालिस्तन अपना बन गया था ही हैड वन बाई सिटी उसने जीता था आ, अपनी उम्र की पुख्तगी के साथ या फिर अपने काम की पुख्तगी के साथ एंड राइपनेस और जो है वो पुख्तगी के साथ और सीनियरिटी के साथ एंड अनचार्टर्ड नोमैंस लैंड ऑफ प्रिविलेज एक ऐसा आ, प्रिविलेज मीरात को कहते हैं यानी कि सहूलियात को कहते हैं तो कुछ ऐसी मिराहत उसने जीत ली थी जो कि किसी भी इंसान की जागीर नहीं है अनचार्टर्ड है मतलब किसी के नाम नहीं है किसी के जागीर नहीं है वो जीता जाता है ही हैड एक्वायर्ड द राइट टू जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज़ एक्सेंट्रिसिटीज़ मतलब कुछ अजीबो गरीब हरकतें एकसेंट्रिकिटीज़ कुछ पागलपन जो है वो आ, इस तरह की इसकी ट्रांसलेशन हो सकती है ही हैड एक्वायर्ड द राइट टू दोज जेंटल एक्सेंट्रिसिटीज उसने उन अजीब सी हरकतों के लिए वो जैसे एक हक हासिल कर लिया था दैट सो ऑफन अटैक स्कूल मास्टर्स एंड पार्सन जो कि बहुत स्कूल uh, मास्टर्स और पार्सन्स पर बहुत अटैक करती हैं जी ही वो हिज गाउन वो एक्सेंट्रिसिटीज वो कुछ अजीबोगरीब रवैये के अंदर चेंजेस जो थे उसको जिसको हमने जिसको उन्होंने एक्सेंट्रिसिटीज का नाम दिया वो क्या थे वो डिटेल में बताएँगे ही वोर हिज गाउन टिल ही वॉज ऑलमोस्ट टू टैटर्ड टू होल टुगेदर वो अपना गाउन पहनना ही रखता था जब तक कि वो इतना ज़्यादा टैटर्ड यानी फटा हुआ हो जाता कि वो इकट्ठे एक, एक जगह जो है वन पीस की उसके अंदर एक विजन ना आता मतलब ये कि वो पटा हुआ लगता और इकट्ठा जमा ना हो सकता एंड वेन ही स्टोड ऑन द वुडन बेंच बाई बिग हॉल स्टेप्स टू टेक ऑल ओवर और जब वो वुडन uh, लकड़ी के बने हुए बेंच के ऊपर बैठता जो uh, बहुत uh, बड़े हॉल के अंदर था उसके स्टेप्स पे होता उसकी सीढ़ियों पे टू टेक परल ओवर ताकि वो, वो हाज़िरी लगा सके इट वॉज विद इन ईयर ऑफ ए मिस्टेक अबेंडनमेंट टू रिचुअल विद इन एन ईयर ऑफ़ मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट होता ऑफ़ मिस्टिक मिस्टिक बच्चे कहते हो कहते हैं एक पूरे स्रार सा या सूफियाना सा अबेंडनमेंट uh, कहते हैं दुनियादारी को छोड़ देना टू रिचुअल क्यों छोड़ा कि एक रस्म के लिए रिचुअल के लिए रस्म एक रस्म के लिए यानी कि वो कुछ इस तरह से हाज़री लगाया करता था कि जिस तरह से कोई सूफी दुनिया को छोड़ देता है कोई ख़ास किस्म की रस्म परफॉर्म करने के लिए ही हेल्थ द स्कूल लिस्ट उसके पास एक स्कूल लिस्ट होती पकड़ी होती एंड लॉन्ग शीट कर्लिंग ओवर अ बोर्ड और एक लंबी सी शीट होती जिसको वो बोर्ड के ऊपर कर्ल करके रखता था यानी फोल्ड करके रखता था एंड ईच बॉय और हर एक लड़का एज ई पास्ट जैसे वो गुजरता स्पोक हिज ओन नेम फॉर चिप्स टू वेरीफ़ाई तो वो चिप्स का नाम चिप्स के सामने अपना नाम बुलाता ताकि उसको वेरीफाई किया जा सके जांचा जा सके या उस वेरीफाई करना कहते हैं कि किसी चीज़ को सही मान लेना एंड देन टिक ऑफ ऑन द लिस्ट और फिर चिप्स उसको मतलब वेरीफाई करने के बाद हाँ कि ये वही लड़का है जिसका नाम बुलाया गया है तो फिर वो लिस्ट के ऊपर टिक लगा देता दैट वेरीफाइंग ग्लास ग्लांस ग्लांस मतलब वेरीफाइंग uh, मतलब जाँच पड़ताल वाला ग्लांस मतलब नज़र जो था जो थी वॉज एन ईजी एंड फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ मीमिक्री वो बहुत आसान और बहुत ही दिलपसंद जो है वो सब्जेक्ट थी ऑफ मीमिक्री मतलब नकल लगाने के लिए थ्रू आउट द स्कूल स्कूल के अंदर स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स स्टील के किनारों वाले जो उसकी जो एनक थी स्पेक्टिकल्स थे मतलब एनक थी स्लिप्ड डाउन द नोज वो उसके नाक से नीचे ढलकी हुई होती आईब्रोज uh, लिफ्टेड उसकी आईब्रोज उठी हुई होती हैं वन लिटल हायर देन अदर और एक हल्की सी ऊंची होती दूसरी की नस्बत अगेज हाफ रैप्ड एक uh, नज़र जो आधी uh, रैप मतलब कुछ एब्जॉर्ब करते हुए बहुत ही uh, ज़्यादा मगन एक नज़र जो बहुत ही मगन होती हाफ क्विजिकल और आधी मगन होती और आधा ऐसे लगता कि वो जैसे कुछ इंक्वायरी के मूड में है कुछ देख रहा है ठीक है जी गौर से एंड ऑन विंडी डेज और जो हवा चलने वाले दिन होते विद गाउन एंड वाइट हेयर गाउन के साथ और अपने सफेद बालों के साथ एंड स्कूल लिस्ट और स्कूल लिस्ट के साथ फ्लटरिंग इन अप्रोरियस कन्फ्यूजन जो कि फ्लटर हो रही होती मतलब उड़ रही होती फड़फड़ा रही होती इन अप्रोरियस अप्रोरियस बहुत ही आ, शोर वाली शोर के साथ कन्फ्यूजन 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 को ही कहते हैं जैसे कन्फ्यूजन मतलब एक अजीब किस्म की सिचुएशन के साथ जिसमें कुछ समझ ना आ रही हो द होल थिंग बी केम अ कॉमिक टर्न तो ये सारा कुछ एक तरह से एक मजाक बन जाता सैंडविस्ड बिटवीन आफ्टरनून गेम्स एंड द रिटर्न टू क्लास तो जो के ये सब कुछ दोहराया जाता Uh, लुफानदोज होने के लिए जो uh, दोपहर को होने वाली गेम्स होती और वापस क्लासों में आने का टाइम होता जो इनके दरमियान का वक्त होता उस वक्त थैंक यू सो वेरी मच दिस इज़ फॉर टुडे एंड अलोंग विद दैट रीडिंग ऑफ द चैप्टर यू शुड ऑल्सो डू एडियम्स नेक्स्ट फाइव एंड प्लीज टेल मी हाउ मैनी यू हैव डन विद द एडियम्स एंड हाउ मेनी ऐसेज यू हैव डन Kindly inform me. Thank you so very much. Allah Hafiz.